वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। मैं आपको आज ये बहुत अट्रैक्टिव स्लीव्स डिज़ाइन सिखाऊंगी, जिसमें यहाँ पे होलो स्ट्रिप्स लगी हैं और मैंने ये बीट्स भी लगाए हैं। देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इसको मैं रिकमेंड करती हूँ मेरे प्रीवियस नेक डिज़ाइन से, जिसमें मैंने बोट नेक डिज़ाइन सिखाया था ऐसे ही होलो स्ट्रिप्स के साथ। तो वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू डिडंट येट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। देखो इस स्लीव डिज़ाइन के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्विक रिकैप के लिए कि नॉर्मल स्लीव्स भी कैसे कट करते हैं। देखिए स्लीव्स के लिए टोटल कपड़ा आप लोगे जितने भी टोटल बस्ट है उतना, ठीक है। फिर उसको एक बार फोल्ड कर देंगे, तो ये फोल्ड किया है। उसके बाद आपको एक बार और फोल्ड करना है, इट मीन्स आपके पास अब फोल्ड करके जो कपड़ा है वो होगा बस्ट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, छाती को 4 से डिवाइड करके, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया डबल फोल्ड करके कपड़ा। अब देखो इसकी लंबाई के लिए कैसे देखेंगे हम, ये जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये डबल शेड का है, तो इसका मतलब जो नीचे का डिज़ाइन होगा वो 1 इंच का होगा, प्लस आधा इंच का हमने बीच में गैप छोड़ा है, और उसके बाद आपकी जो स्लीव्स की लेंथ जितनी चाहिए वो है, ठीक है। इन टोटल मेरे को लेंथ चाहिए थी, मेरे बाजू की लंबाई चाहिए 5 इंच चाहिए, लेकिन इसमें से मेरे को माइनस करना होगा 1.5 इंच, 1.5 इंच माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं नीचे डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ जो दूसरे कलर के कपड़े का या दूसरे कपड़े का बनेगा, ठीक है। अभी इस स्लीव्स के लिए 5 माइनस 1.5 इंच कितना होता है, 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच होता है, प्लस मैं आधा इंच का मार्जिन ले लेती हूँ टर्निंग के लिए, ठीक है। ऊपर से टर्न करना होता है और मोरी में भी टर्निंग चाहिए, तो आधा इंच का हम मार्जिन ले लेते हैं। ये देखो ये मैंने निशान लगा लिया, इतना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है सभी स्लीव्स के लिए। फिर हम यहाँ से आधे पहाड़ की शेप बनाएंगे, जैसे मैं हर बार बताती हूँ ये हाफ माउंटेन की शेप मैंने बना दी, आधे पहाड़ की शेप बना दी। अब हम इसको कट कर लेंगे, स्लीव्स का बेसिक पैटर्न कट कर लिया, तो ये आपके पास आ गई 2 स्लीव्स, 1, 2। अब इसके नीचे का डिज़ाइन बनाना है। देखिए मेरे पास ये 2 स्लीव्स आ गई हैं, ठीक है। अब इसके नीचे का डिज़ाइन बनाना है, उससे पहले हम इसकी बॉटम टर्निंग करेंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको टर्निंग करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये गलत साइड है कपड़े की, गलत साइड है, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और फिर एक बार और मोड़ेंगे, ठीक है, और फिर सिलाई मशीन पर जाकर इसको कॉर्नर्स इसके स्टिच कर लेंगे। इसकी बॉटम टर्निंग ऐसे कर लेते हैं हम, सबसे पहले ऐसे हम ऐसे टर्न करके पूरा लास्ट तक स्टिच कर लो, दोनों स्लीव्स के लास्ट में ऐसे स्टिच कर लो, एक बार टर्न करके और फिर दूसरी बार टर्न करके गलत साइड पे स्टिच कर लो, ठीक है। अब हमें जो होलो स्ट्रिप्स बनानी है उसके लिए मैंने लंबा कपड़ा ले लिया, जैसे ये लंबा है, इसको मैं 2 बार फोल्ड किया। बीच में जो होलो स्ट्रिप्स बनानी है मैं अब उसके लिए बता रही हूँ कि कैसे बनाएंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद 2 इंच, ठीक है, और ऐसे निशान लगा देंगे और ऐसे निशान लगा देंगे, और अब हम कट करेंगे इसको। कट कर दिया, अब इन दोनों स्ट्रिप्स से हम स्ट्रिप्स बनाएंगे। 2 इंच चौड़ी है और लंबी आप जितनी रखना चाहते हो, जितना आपके पास है कपड़ा उतना रखिए, क्योंकि हमें बहुत सारी स्ट्रिप्स चाहिए। ऐसे इसको मोड़ेंगे, ये देखो कपड़े की सही साइड है, ये कपड़े की सही साइड है, इसको अंदर की तरफ ही रखेंगे। इसका स्टिच करना है गलत साइड पे, ऐसे मोड़ा हमने और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के पूरे स्ट्रिप में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और ऐसे सिल देंगे, ठीक है। ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई मशीन पर जाएंगे और इस लाइन पे बिल्कुल लास्ट तक सिल देंगे, ऐसे ही दोनों स्ट्रिप्स में सिल देंगे। स्टिच कर लिया है, इसके बाद अब मैं इसमें इसको मैं अनफोल्ड करूँगी, यानी कि अभी गलत साइड पे है, इसको सीधा करूँगी। तो ऐसे ही आप सेफ्टी पिन की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से ऐसे इसको अंदर डाल देंगे, ठीक है, और इसको ऊपर इसके रिंकल्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसे करना होता है, फिर ईजिली हो जाता है। ये लीजिए हो गया, अब इसको अंदर डालते रहेंगे सेफ्टी पिन को और फिर ये सीधा हो जाएगा।
ऐसे ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने ये सीधा कर लिया है एक। और ये देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, सीधा करने के बाद जो इसका स्टिच वाला पार्ट है, यहाँ पे ये स्टिच हुआ हुआ है, ये देखो ये स्टिच हुआ हुआ है, इसको हम बैक साइड पर लेकर आएंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि जो ये जो सही साइड है इसकी, यहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन रहे क्लोथ। ठीक है, इससे प्रोफेशनल फिनिशिंग आती है। ऐसे इसको पूरी पाइपिंग को, पूरी स्ट्रिप को हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिप रेडी है। अब हम इन स्ट्रिप्स को 1.5 इंच लंबी काट लेंगे, 1.5 इंच लंबी कट कर लेंगे, ऐसे इसकी हेल्प से इसको कट करते रहेंगे। हमें बहुत सारी स्ट्रिप्स चाहिए तो हम 1.5 इंच लंबी ऐसे ही कट कर लेंगे पूरी। ये देखो इन स्ट्रिप्स के बाद हमारे पास ये स्लीव्स हैं, और इसके स्लीव्स के बॉटम के जितना जितना भी इसका स्लीव्स का मोरी है, ठीक है, इसके जितने दोनों स्लीव्स के लिए हमें लंबी नीचे डिज़ाइन डालना है, तो उसके लिए ये स्ट्रिप चाहिए। स्ट्रिप हम लेंगे 3 इंच, 3 इंच चौड़ी लेंगे ये स्ट्रिप, और लंबाई मैंने बता दी कि इसके जितनी 2 चाहिए होंगी आपको। ठीक है, ये स्ट्रिप की गलत साइड है, गलत साइड को हम मोड़ेंगे, ये देखो ये गलत साइड है, और इनके अंदर हम ये वाली स्ट्रिप्स लगाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रिप की गलत साइड है ये वाली, और ये सही साइड है। इसके अंदर कैसे भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको रखनी है बिल्कुल अंदर। ठीक है, एक स्ट्रिप आप थोड़ा गैप छोड़ के लगा दीजिए, ऐसे अंदर रखेंगे आप इसको, और फिर स्विंग मशीन पर जाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे स्टिच करेंगे। ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पर रखी है, इधर मार्क कर लिया। अब इसके बाद हर 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे, ऐसे हर 1.5 इंच पे मार्क लगा के इन स्ट्रिप्स को कैसे रखेंगे, हम अंदर की साइड पे रखेंगे बिल्कुल, ये कॉर्नर पे मिलाते हुए एक कॉर्नर पे, हमें इसको ऐसे नहीं रखना, अंदर की साइड पे रखना है हर 1.5 इंच के मार्जिन पे। जैसे यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसको आप कच्चा भी कर सकते हो या फिर पिंस भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सिलाई मशीन पर जाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सबको एंड तक सिल देंगे। इट मीन्स हम एक साथ क्या क्या सिल रहे हैं, ये स्ट्रिप्स, और इसको हम फोल्ड करके भी स्टिच कर रहे हैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। ठीक है, अब ये देखो हमने ये स्टिच कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और सभी इसके अंदर हमने स्टिच कर लिए। और याद रहे, जैसे अगर आप इसके उल्टी साइड अपनी तरफ रख रहे हो तो सभी स्ट्रिप्स की उल्टी साइड अपनी तरफ रखिए। ऐसे ही सेफ्टी पिन डालेंगे और इसको अनटर्न कर लेंगे, उल्टा कर इन, इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे डाल के इसको ऐसे रिंकल्स निकाल के सीधा कर लेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी एक कर चुकी हूँ। सीधा करने के बाद इसको ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, ऐसे पकड़ के हर एक स्ट्रिप को यहाँ पर प्रेस कर लेंगे, तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिच जो आया है वो कॉर्नर पे आ जाएगा ऐसे, और प्रेस हो जाएगा। ठीक है, इससे फिनिशिंग आ जाएगी। लास्टली ये हमारे स्लीव्स की गलत साइड है। ठीक है, इस गलत साइड के साथ ये हमारे इसकी भी गलत साइड है, ये रॉन्ग साइड है डिज़ाइन की। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हर तरफ से 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे। ये देख सकते हो आप, बीच में ये जो गैप है ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, मेरे को 1/2 इंच का ही छोड़ना है, इसलिए मैं 1/2 इंच का छोड़ रही हूँ। ऐसे 1/2 इंच का गैप हर जगह से हम छोड़ देंगे और ऐसे रख लेंगे। उसके बाद हम चाहें तो पिंस भी टक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी 1/2 इंच का गैप है, मैं थोड़ी दूरी पे टक कर रही हूँ पिंस। ठीक है, और अब हम जाएंगे स्विंग मशीन पे और इसके ऊपर, ये देखो 1/2 इंच का गैप हर जगह आ गया है हमारा, ऐसे इसके ऊपर हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर देंगे, इस पूरे को इसके साथ साथ स्टिच करते रहेंगे। यहाँ पर ये जो सिलाई हमने पहले ही की होगी, ये देखो ये जो हमने पहले ही स्टिच किया है, इसी के ऊपर ऊपर स्टिच कर देंगे और इसके साथ ही ये भी स्टिच हो जाएंगी। ठीक है, हमारा डिज़ाइन भी इसके साथ स्टिच हो जाएगा, होलो स्ट्रिप्स कहते हैं इनको, होलो स्ट्रिप्स भी इनके साथ लास्ट तक स्टिच हो जाएंगी। ऐसे ही हम दोनों बाजू पे ये लगा देंगे। स्लीव्स डिज़ाइन रेडी है। अब इसके ऊपर मैंने ये एक स्लीव पे ये लगाए हैं बीट्स, ऐसे आप लगा सकते हो।
ठीक है, मैंने सिर्फ बीच में 4 बीट्स लगाए हैं, आपकी मर्जी है आप कितना लगाना चाहते हो। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो देखो सिंपल भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये बीट्स यहाँ पर लगा सकते हो जैसे मैंने इसमें लगाए हैं। ये इस स्लीव्स के साथ मैं लेटेस्ट ये बोट नेक डिज़ाइन रिकमेंड करती हूँ, जिसका डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, ठीक है। ये देखो, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। अगर आपको ये बोट नेक डिज़ाइन इन होलो स्ट्रिप्स के साथ सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। तो niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल है उसे क्लिक करने से आपको सभी वीडियोस वैसे ही मिल जाएंगे जैसे मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे आप स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरा पेज निया इमेजिनेशन जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।